और अब बात करते हैं कड़ाके की ठंड की। दिल्ली समेत उत्तर भारत में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। जानकारों के मुताबिक 24 घंटे बाद से ही हालात बिगड़ेंगे और अगले 3 दिन तक बड़े इलाके में सावधान रहने की जरूरत है। खास बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर से शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के 5 राज्य एक बार फिर ठंड से ठिठुरने वाले हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज से ही मौसम का मिजाज बदलने लगेगा और अगले 24 घंटे में एक बार फिर शीतलहर चलनी शुरू हो जाएगी। जिन राज्यों में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान है उनमें दिल्ली NCR के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अलावा राजस्थान का नाम शामिल है। खास बात यह है कि दिल्ली में अगले 2 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं राजस्थान के चूरू समेत कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज और सर्द हो सकता है और तापमान -2 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली NCR में शनिवार से ही सर्द हवाएं चलने लगी हैं। आमतौर पर जनवरी के तीसरे हफ्ते में शीतलहर सामान्य बात नहीं है, लेकिन इस बार साफ आसमान और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली का तापमान गिरता जा रहा है। इस बार रात ही नहीं दिन का तापमान भी काफी कम हो सकता है। शेल्टर होम में रहने वाले लोगों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। राजस्थान के कई इलाकों में पहले से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीगंगानगर में ठंड की वजह से फसलों की पत्तियों और रास्तों पर बर्फ जमी दिखी। बीकानेर के खाजूवाला और जैसलमेर के रामगढ़ में भी तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट पर पहुँच गया है। फसलों के अलावा खुले में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जमी दिखी। इस वजह से यहां फसलों के नुकसान की आशंका भी है। यानी राजस्थान के कई इलाकों में सर्दी का सितम दोबारा देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में गिरता पारा 19 जनवरी से अपना मिजाज बदलेगा, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं होगी। जनवरी के आखिर में एक बार फिर से लोगों को सर्दी परेशान कर सकती है। हालांकि उस वक्त मैदानी इलाकों में कहीं भी तापमान माइनस में नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही है कि उत्तर भारत के 5 राज्यों में सर्दी बढ़ने वाली है और 18 जनवरी तक हालात नहीं सुधरने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।